अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल ज़ीरा पुलाव, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, एक प्याज ली थी मीडियम से, थोड़ी सी बड़ी मैंने ली थी, उसको इस तरह से काट लेंगे। इसके अलावा एक टमाटर बड़े साइज का आप ले लें और उसको इस तरह से काट लें। तीन हरी मिर्च मैंने ले ली थी, ठीक है। इसके अलावा ये मसाले ले लिए थे, जिसमें आ जाता है हमारे पास ये काला ज़ीरा है, दड़ा मिर्च है तकरीबन जितनी आप चाहें मिर्च जितनी खाए, काली मिर्च है, एक तेज़पात लिया है और एक चम्मच लिया हमने कोरिएंडर मतलब खुश्क धनिया, नमक हस्बे ज़ायका, चिकन क्यूब, दो बड़ी इलायची और आधी चम्मच तकरीबन गरम मसाला ले लिया। ये आ गए हमारे पास सारे मसाले, ठीक है। और इसके अलावा जो राइस थे वो हमने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन मैंने राइस लिए हैं डेढ़ ग्लास, ठीक है, वन एंड हाफ ग्लास राइस लिए थे, उसको भिगो के रख दिया, ये डोटा राइस है। अब हम करेंगे जी, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और ऑयल गरम जैसे हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का हम इसमें फ्राई कर देंगे, ठीक है, प्याज को फ्राई कर देंगे। ये देखें प्याज हमारी हल्की हल्की बस ब्राउन हुई है। अब जो मसाले मैंने जो सारे आपको बताए थे, ये देखें ये हम इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसको फ्राई कर देंगे, ठीक है। अब हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया है, अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। डेढ़ ग्लास हमारे चावल थे तो हमने इसमें दो ग्लास पानी डाल दिया, ठीक है, दो ग्लास हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे एक जो चिकन क्यूब मैंने आपको बताया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन क्यूब भी डालेंगे इसलिए नमक का जो हिसाब है वो आप अपने हिसाब से डालें, ठीक है। और ये जो तीन हरी मिर्च थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा हम इसमें चावल शामिल कर देंगे।
ये देखें पानी बॉईल हो चुका है और हमने इसमें अब वो डेढ़ ग्लास जो चावल भिगो के रखे थे वो हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब देखें पानी बिल्कुल इस तरह से जब खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसमें वो जो टमाटर मैंने आपको बताए थे काट के, तो वो हम इस टाइम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये देग वगैरह में इस तरह से शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से पसंद ना हो, आप तड़का जब लगा रहे हो तो उस टाइम भी आप लोग टमाटर डाल सकते हो। ठीक है, मैंने एंड पे डाले हैं, एंड पे डाल के हल्के हल्के हाथ के साथ आपने इनको चावलों में मिक्स कर देना है। ठीक है, जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इनको दम पे रख देंगे। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए हम इसको, या 10, 15 या 25 मिनट्स जितना आपके इलाके का दम का टाइम है आप उस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे। ठीक है, ये देखें जी हमारे चावलों का दम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर 25 मिनट्स हमारे चावल जो हैं वो देखें पक चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये देखें बिल्कुल निखर गए हैं। इनमें एक दफ़ा इस तरह से चम्मच ज़रूर हिलाया करें, इस तरह से चावल चिपकते नहीं हैं। ठीक है, सब में चम्मच हिला के दोबारा से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको सारा आराम आराम से चम्मच हिलाऊंगी और फिर डिश आउट करके आपको इसको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं इस तरह से, ज़ीरे की बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू और ये बड़ी इलायची की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ठीक है, आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए अपने घर पे और इस तरह से बिल्कुल सिंपल पुलाव आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हालांकि ये टोटा राइस थे लेकिन फिर भी देखें कितने मज़े से ये निखर के पक गए हैं। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जी, ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत हौसला अफजाई मिलती है, बल्कि आपकी तरफ से ये एक इनाम होता है। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.